हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नग्गल खोजिकपुर प्रभु प्रेमपुरम के संयुक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस कार्यक्रम में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं को पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम में बताया कि जल्द ही टांगरी नदी के तटबंध को बनाने का कार्य किया जाएगा, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। इस सारे क्षेत्र के देवियों और सज्जनों, अभी गुरिंदर शर्मा जी गिनकर बता रहे थे कि इनके इलाके में विकास के जो जो काम हमारी सरकार आने के बाद करवाए गए हैं। बंधुओं, केवल आपका इलाका ही नहीं, अंबाला छावनी का एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां विकास ना हुआ। हमारा इलाका तो प्यासा रह गया था। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी अंबाला छावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी ने पैसा रोहतक लगा दिया, किसी ने हिसार लगा दिया, किसी ने सिरसा लगा दिया। ये पहली बार है कि सबसे ज्यादा पैसा अंबाला छावनी में लगा, पहली बार। आपने देखा लोगों की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है स्वास्थ्य की। आपने देखा मैंने कितना बड़ा अस्पताल बना के दिया। छोटा सा अस्पताल होता था, बत्ती भी बुझी रहती थी, टूटी हुई कुर्सी के ऊपर एसएमओ बैठता था, कभी कभार जाने का मौका मिलता था, हालत देखकर तरस आता था। मैंने आज ऐसा अस्पताल बना दिया रोजाना कम से कम 3000 लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, 3000 लोग, जिसमें एक्सरे नहीं होता था, उसमें आज एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे,